बृहस्पतिवार को रात 10 बजे से शुरू हुई खिलाड़ियों के साथ बैठक अब खत्म हो चुकी है। लगभग 4 घंटे तक ये बैठक चली और देख सकते हैं कि इस समय हम अनुराग ठाकुर के बिल्कुल घर के सामने हैं। अकबर रोड 22 नंबर का मकान जिसमें अनुराग ठाकुर रहते हैं और जाहिर तौर पे लगभग 4 घंटे तक इसी घर में बातचीत रेसलर्स के साथ चली है और कई तमाम बड़े रेसलर्स, चाहे बजरंग पुनिया की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, तमाम बड़े नाम उस वक्त मौजूद थे, लगभग 10 से 12, और सबकी निगाहें थी कि आखिर इन 4 घंटों में क्या बातचीत हुई, क्या निष्कर्ष निकला। और जाहिर तौर पे जो हमारे सोर्सेज हैं वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने इन 4 घंटों में एक एक करके सभी खिलाड़ियों से उनके पक्ष सुने। उन्होंने जानना चाहा कि आखिर आरोप लग रहे हैं तो वो आरोप क्या हैं, उन आरोपों के सबूत क्या हैं, इसके अलावा मोलेस्टेशन जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो वो किस आधार पर लगाए गए हैं, तमाम वो जो मुद्दे हैं जिसको बहुत ही बारीकी से अनुराग ठाकुर ने इन खिलाड़ियों से सुना है और 4 घंटा सुनने के बाद से निष्कर्ष अभी तक कुछ नहीं दिया। हाँ, ये जरूर कहा है कि ये बातचीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा, यानी कि बृहस्पतिवार को जो 4 घंटे की लगातार बैठक रही, सुबह 2 बजे खत्म हुई शुक्रवार को, वो शुक्रवार को दोबारा शुरू हो सकती है। आपको जैसा कि संज्ञान है कि इन खिलाड़ियों ने पहले ही कहा है कि हम जो धरना है अपना वो सुबह 10 बजे से शुरू करेंगे और शाम 5 बजे तक करते रहेंगे, तो जाहिर तौर पर ये माना जा रहा है कि सुबह 10 बजे से पहले अनुराग ठाकुर एक बार फिर शुक्रवार यानी आज मुलाकात कर सकते हैं और ये जो बातचीत का सिलसिला है, जो खिलाड़ियों का उन्होंने पक्ष सुना है, ये बात उसके आगे बढ़ने वाली है। तो जाहिर तौर पे पूरे देश की निगाहें हैं, सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जो रेसलर्स ने आरोप लगाए हैं अपने फेडरेशन पे वो कितना सच है और फेडरेशन का जो पक्ष है वो क्या कहता है। तो जाहिर तौर पे बातचीत का सिलसिला जैसे आगे बढ़ेगा सारी बातें खुल के सामने आएंगी। कैमरामैन साहिल के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, News 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।